वाला था, बाकी मैं देखा तो फिर मतलब कैमरे में अच्छा ही लगे दादा, इसी जा रहा हूँ खाला ढीला विशाल खाला। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, माय नेम इज एड्रोफ्लो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम कश्मीर पहलगाम, और इट्स नाउ टाइम टू लीव दिस अमेजिंग होटल। और हम लोग अभी जा रहे हैं श्रीनगर, आज की रात श्रीनगर में गुजार कर नेक्स्ट डे हम निकलेंगे गुलमार्ग के लिए। तो प्लान तो ये चल रहा है अभी, और भाई साहब सच बोलूँ ना, ये होटल में से निकलने का मन नहीं कर रहा है। कंफर्टेबल होटल यहाँ पे सामने हमारे, इतना बड़ा टीवी था, रात भर हम लोग यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखते रहते थे, इंटरनेट यहाँ पे एकदम प्रॉपर चल रहा था, तो इसलिए हम लोग ने एक दिन यहाँ पे एक्सटेंड करवाया, एक दिन हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रुके। बट आज हम लोग निकल रहे अभी, और गुलमार्ग जाने का प्लान था बट हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए, तो अंकल ने बोले कि अभी फ़ायदा नहीं गुलमार्ग जाके, अंधेरे में पहुँचेंगे। आज श्रीनगर में रुकते हैं, वही रोज़ पेटल में, उसके बाद हम निकलेंगे नेक्स्ट डे गुलमार्ग के लिए। यप, तो अभी हमारा सामान अनलोड हो रहा है यहाँ पे, हमारा सामान आ गया। और भाई यार ये होटल से व्यू देखो, वहाँ बस ये देखो, फुल स्नो ही स्नो है, क्या बात है। और ये होटल है। सो गाइज, ये ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ हूँ, कश्मीर में, और यहाँ पे कितनी ठंडी है, और ऑब्वियसली ठंडी से बाल इतने ड्राई हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर हेयर। तो आपको तो पता ही होगा और सबको पता होता है कि सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर होता है ऑयल बालों के लिए। सो फॉर आर हेयर आई गॉट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट बाय वाओ स्किन साइंसेस, आमला हेयर ऑयल। और ये तीनों हेयर ऑयल है बट ये डिफरेंट एप्लीकेटर्स के साथ है, इस पे दोनों पे दो कॉम्ब एप्लीकेटर्स है, और ये डिफरेंट साइजेस में है, और ये विथ पंप। So this Amla hair oil is amazing for dry and itchy scalp and limp hair. It also nourishes your roots and protects your strands from breakage. So it is a non-sticky, non-greasy and lightweight hair oil jo apne baalon mein easily absorb ho jate hain. The oil delivers the goodness of Amla extract, lemon essential oils in a blend of five natural cold pressed oils such as extra virgin olive oil, castor oil, sweet almond oil, Moroccan argan oil and coconut oil. Ye product mein hai 99.9% natural ingredients. Ye product apne baalon mein lagana itna easy hai na, आप इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसा रखो और ये ऑयल डायरेक्टली रूट्स तक जा सकता है और पूरे स्काल्प में आपके ये ऑयल फैल सकता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ऑल द वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स आर देयर इज नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकन एंड नो हार्श केमिकल्स। सो ऑल योर फेवरेट वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट योर नियरेस्ट स्टोर। सो देयर इज वाओ सम सेल ऑन 24th, 25th एंड 26th ऑफ जनवरी ऑन वाओ ऐप एंड देयर वेबसाइट, एंड देयर इज अ कूपन कोड टू, यू कैन बाय वन एंड गेट वन फ्री। सो इफ यू वांट टू बाय दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स बाय वाओ स्किन साइंस, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, गो चेक। और उनका सेल भी चल रहा है 24th, 25th, 26th, गो एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द सेल। ऑलराइट गाइस, सो अंकल अभी बता रहे थे कि लोगों के दिमाग में कश्मीर के लिए एक अलग ही थिंकिंग है ना। जी 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 जी, असली एक्चुअली यहाँ पर वो तो है ही नहीं, बस लोगों का डर और खौफ है, खौफ है, और बाकी किसी जगह को। आपको माशाल्लाह कितने दिन हो गए, आपने पांच आपने दिन कहीं हो गए, कुछ देखा है? कुछ नहीं, ऐसा फील ही नहीं है, बट वहाँ से आने के टाइम हर कोई ये बोल रहा है कि वहाँ जाना सेफ जी, है। जी जी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी जी, यहाँ पर किसी जगह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बस आदमी को थोड़ा सा डर लगता है ब्लाइंड में, पता नहीं कश्मीर में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, ऐसी कोई बात नहीं है। यू मोस्ट वेलकम, सही में। मगर तो लोग, आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोच के नहीं आते रहेंगे कि वहाँ पे हालत क्या चल रहे है, क्या है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, एक बार ज़रूर आना कश्मीर और देख के जाना यहाँ की ब्यूटी। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। चलो अभी हम लोग निकलते हैं, कहाँ, श्रीनगर ना, श्रीनगर, श्रीनगर, चलो। पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा ऐसा पानी, ऐसा वाला पानी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दुनिया में पानी। ये पूरा ट्रीटमेंट करके है कि बड़ा बड़े बड़े पहाड़ों से निकल रहा है, ये पूरा ऊपर से यहाँ से निकल रहा है अमरनाथ के लिए। जब अमरनाथ का दर्शन का टाइम होता है कि हर हर एक गाड़ी यहाँ से पानी भर के ले रहा है और वहाँ पर पी रहा था, क्योंकि ये बहुत स्वीट वाटर है। अच्छा, पूरा ट्रीटमेंट करके, न इसमें केमिकल का जरूरत है, न किसी चीज का, सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा पहाड़ में से जड़ी बूटी में से आ रही है। जी जी, नहीं जड़ी बूटी के नहीं, ये बहुत दूर से निकलता है पानी। हाँ। ये जमीन अंदर अंदर से
ये सिर्फ इस पर पाइप फिक्स करके रखा है। अच्छा 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 जी। अंकल तो रुक ही नहीं रहे, अंकल 3 बॉटल भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से पानी। बट सही में वो पानी मैंने सुना हूँ बहुत सारे लोगों से भी कि जो पानी है बहुत ही हेल्दी है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है वो पानी। वापसी हो गई हमारी। ओ बेड़ा आगे वापस रोज पेटल। क्या बोलते सर? बस सर बढ़िया बढ़िया। शाहिद भाई फिर से आ गए हम लोग। और कैसे हो सर? सब सही, सब बढ़िया। सो गाइस वापस से हम हमारी होटल में आ गए रोज पेटल। और सही में इधर आके ना अपनापन लगता है। यहाँ के जो जितने भी वेटर्स है, वर्कर्स है, रिसेप्शन पे जो भी है, सब ऐसा लगता है कि एकदम सब दोस्त लोग ही, अपना ही होटल है। मजे करो, चिल। फिर से वही रूम मिला क्या? नहीं, उसके आगे वाला। अच्छा तो ये रूम है। फिर से आ गए हैं हम। मच नाइसर। अरे अलग है ना। ऐसा लग रहा है हमारा ही होटल। ऐसा लग रहा है ना घर का आ गए। और तीनों लोग खुश हो गए। ऑलराइट, सो वी आर बैक टू श्रीनगर फ्रॉम पहलगाम। और हम लोग को जो नीचे रूम मिला था तो हमारे यहाँ पे जो मैनेजर, उन्होंने हमें ये स्वीट दे दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये क्या है? जकूजी। और हम लोग फुल मस्त है, खाला लग रहा है। तो अभी फुल नहा हुआ के निकले हम लोग फुल मस्ती मजा करके जकूजी में। और ये देखो एकदम कपल वाला रूम है, रूम है। सच्ची बता, क्या खाला नहीं बनने वाला? मैं अभी बनने वाला था, बाकी मैं देखा तो फिर मतलब कैमरे में अच्छा ही लगे। विशाल खाला। तो अभी चलो हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा बैल्कनी, यहाँ पे बहुत बड़ी बैल्कनी जैसा कुछ है, वहाँ पे थोड़ा चिल करके आएंगे ठंडी में। रूम तो एकदम नॉर्मल है, देखो शॉर्ट्स में घूम रहा हूँ, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, हीटर एकदम मजबूत चल रहा है। सो इट्स 12:30 इन द नाइट। ये हमारा लॉबी है। क्या वो बंद है? कैसे, कैसा बंद रे बेटा, खींच रहा था भाई तू इतना डम कैसे हो सकता? चल चल बेटा छोड़। आज इतनी ठंडी है कि नहीं है? नहीं है ना, ठीक है। मतलब अबे भाई वहाँ पे ज़्यादा ठंडी थी पहलगाम में ना। अबे कुछ नहीं लग रहा मेरे को तो। बट अबे भाई वहाँ पे अगर ऐसा निकल गए थे अपन रात में तो हालत टाइट हो गई थी। इतना ठंडी नहीं लग रही आज श्रीनगर में? कुछ भी नहीं लग रहा। दिख रहा है क्या? कुछ दिख भी नहीं रहा। दिख नहीं रहा, हमारी आवाज़ ही काफ़ी है लोगों की। वॉइस ओवर है गाइस। बाय द वे मेरे जो व्लॉग्स आ रहे हैं थोड़ा एडिटिंग मैंने बढ़ा दिया, लेवल थोड़ा अपग्रेड किया हो, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थोड़ा प्यार दिखाओ, तो क्या मैं आगे और मेहनत कर पाऊँ उस चीज़ पे। सीख रहा हूँ अभी भी, कभी एडिटिंग किया नहीं था, कभी कुछ किया नहीं था, सब कुछ खुद से सीख के आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मैं और मेहनत करके और एडिटिंग का लेवल में बढ़ाऊँगा। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर लिविंग फॉर गुलमर्ग। और हम लोग का इतने दिन से प्लान चल रहा है कि गुलमर्ग जाना है। हम लोग 2 दिन पहले पहलगाम से डायरेक्ट गुलमर्ग जाने का प्लान कर रहे थे। कल भी जाने का प्लान था डायरेक्ट, बट हम लोग कल पहलगाम से लेट निकले तो श्रीनगर में रुक गए। बट आज हम निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। इसमें तो क्या मचाए है कल रोज पेटल के साथ। ऑलराइट, सो ऑन द वे टू गुलमर्ग वी स्टॉप्ड हियर टू ईट समथिंग। हमेशा की तरह हम कुछ नहीं खाते, ब्रेकफास्ट के लिए कॉल कर करके वो रिसेप्शन वाले बेहाल हो जाते कि भाई आ जाओ खा लो, आज तो खा लो। आज तो लिटरली फ़ोन आया कि सर आज तो आ जाओ, आज शायद आप लोग का आखिरी दिन है यहाँ पे, तो यहाँ आज तो खा लो। तो फिर भी हम लोग नहीं उठ पाए यार, उठने होता ही नहीं है। क्या नाम है? अकील। अकील कौन सी स्टैंड में पढ़ते हो? फोर्थ। भूल गया था कौन सी स्टैंड में। क्या मतलब? यहाँ रहते हो ना? नहीं, वहाँ पे। चलो ठीक है, बाय कर दो। यहाँ से अंकल थोड़ा आगे तक साथ देंगे हम लोग का, और उसके बाद फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी लेना पड़ेगा जिसके टायर पे पूरी चेन्स लगी हुई रहेगी, फिर वो हमें लेके जाएगी गुलमर्ग। ऐसा तो मुझे पता चला अभी, क्या सच्चाई है क्या झूठ आई डोंट नो। और ये बशीर भाई ये भी भूखा है, ये भी मैं भूखा हूँ यार। सही बच्चे लोग सब भूखा है, बड़ा मुझे फील हो रहा है यार। सुबह से उठाए सिर्फ सो रहा है सिर्फ।
और लेट निकले जी। अब इनको मैंने अच्छा एक ढाबे पर रोका है जो फ्रेश खाना भेज रहा है, तो बिल्कुल टेस्ट बहुत बढ़िया है, जिनको आपको बम्बई का टेस्ट मिलेगा। अरे चलो क्या बात है, चलो ये टूर पे कहीं नहीं तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हो। अभी गुरु रंधावा यहाँ पे लंच करके गए, गुरु रंधावा वापसी पे बोला कि ये गुरमा गए अभी। हेलो गुलमार्ग, ऋषि, विशाल, हाइड्रोफ्लो, विशाल, अदनान, तुम लोगों का कुछ स्टेज नेम रखो ना। नहीं मेरा विशाल अच्छा है। अच्छा तो है, पांडे, विशाल पांडे ने स्टेज नेम बना दिया। ऋषि का रुश, रुश, रुश। बाकी भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल की ठंडी बढ़ चुकी है, चलेगा भाई। हम लोग हिल पे जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं आगे क्या सीन मिलता है। पूरे रोड पे आइस फ्रीज हो चुकी है, आइस फ्रीज ही होती है और उस पर टायर भी फिसल रहा है धीरे धीरे। तू है ना मुँह मत बनाएगा ना मंडा, देख देख के सब कोनी दूंगा। क्या लेगा? कोनी। हाँ कुछ की कोनी से डर, थोड़ा कोनी से डर लगता है। कोनी पे अड्डी नहीं लेगा मेरी, कितनी है सीधा घुसेगी ना। क्या देख रहा हूँ यार मैं, ये सब क्या है? मुझे लगा नहीं था गुलमार्ग इतना ब्यूटीफुल रहेगा। मतलब अभी तो हम लोग ऑन द वे ही है, पहुँचे भी नहीं है। रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, बस वहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए हम लोग रुके। और भाई क्रेजी क्रेजी, मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा। Alright guys, so we finally reached Gulmarg and this place is heaven. Like seriously, heaven है ये जगह भाई। मतलब क्या है ये सब, क्या हो रहा है सब? ओ भाई मेरे को ये चलाना है। अभी हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा बूट्स लेने के लिए, लेदर बूट्स। हाँ ले लो, ले लो ना यहाँ। हाँ हाँ यहीं से लेंगे और साइज वाइज चेक करके लेना पड़ेगा। तीन कोट, तीन शूज। चलो अंकल आप यूट्यूब पे आ रहे हो, हाई तो कर दो, हाथ हिला दो बस। कोई किसी को भी बूट्स लेना है तो यहीं से लेना। आपका नाम बता दो आप लोग दोनों। हमारा नाम गुलाम भाई। गुलाम भाई और ये सर, ये थोड़ा गुस्से वाले सर है। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा वाला नहीं होगा, गुस्सा वाला नहीं होता है। देखो साहब क्या जोक मार रहे हैं, पूरा पूरा उठा, पूरा उठा, शाबाश। क्या बात है, सही है, अब तो सही है ना, खुश रहो खुश रहो। चलो यहाँ हमारी गाड़ी आके रुक गई और वहाँ शायद कहीं होटल है हमारी ऊपर, और इसके आगे रास्ता है ही नहीं, पूरा पैक, कम्प्लीटली पैक। ओ भाई, और यहाँ से हम जाएंगे अभी पैदल, पाओ पैदल पैदल, पाओ पाओ। क्या बात करते हैं बच्चा लोग, क्या बात करते हैं बच्चा लोग भाई जी। सो गाइस ये हमारा होटल है गुलमार्ग में। ओए घर गया था मैं अभी, और इतनी आइस, बाप रे बाप। चलो ब्लैंकेट, ओ भाई बोलिए सो गाइज वी आर इन गुलमार्ग राइट नाउ। हम लोग रूम में आ गए और बाहर का माहौल तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, बट ऐसा दिल में था कि रूम में आने के बाद थोड़ा हीटर रहेगा। हीटर है बट थोड़ी गर्मी रहेगी, गर्माहट रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। रूम के अंदर मुंह से धुआं निकल रहा है और बाथरूम में तो भाई दो दिन है हम लोग यहाँ पे, दो दिन तो हम लोग तीनों में से कोई यूज़ नहीं करने वाला है, और हम लोग इसलिए कम खाना खाएंगे कि बाथरूम कम जाना पड़े। नेक्स्ट लेवल ठंडी है। मतलब मैंने इतना ठंडा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। रूम के अंदर आने के बाद हम लोग की हालत टाइट हो गई है, बाहर जाके क्या होएगा क्या मालूम। और अभी वेटर हम लोग आए थे, हम लोग बोल रहे थे बाहर -10-11 चल रहा है, आप लोग मत जाओ बीमार पड़ जाओगे। तो जाएंगे बाहर और आपको जरूर मेरे नज़रों से दिखाऊंगा मैं। जाएगा तो हिम्मत है तेरे में? डिपेंड्स, हो सकता है।
मैं तो भी एक बार जाके भी आया, जूते लेने गया था तब। तो जूते बाहर क्यों? उन लोगों ने बोले थे ना रूम में रखना है। अरे बहुत बड़े बड़े जूते, जगह नहीं है अंदर। अभी जाएंगे तो छोटा सा रूम है, क्योंकि गुलमर्ग में रूम्स की बहुत कमी हो गई। एकदम सीजन चल रहा है, पूरे होटल्स बुकड है। हम लोग को ये छोटा सा रूम बहुत मुश्किलों से मिला, और हमको पता चला है कि जो हमारे अलीबा है ट्रिप मोर वाले, उन्होंने रूम जो बुक किया उस पर 3 गुना पैसा ज़्यादा दे के किया। हम लोग यहाँ पे दोपहर में जब पहुँचे तो सीन जो था बाहर, वो भाई दिमाग नहीं काम कर रहा था। बाकी अभी हम लोग थोड़ा चिलैक्स करते हैं, और रात होगी ना थोड़ी, तो बाहर जाके आप लोग को मिलता हूँ मैं वहाँ। बैठा हो गया पाकिस्तान है। वो जो इस पहाड़ के पीछे वो देख सिक्किम से कैसे आ रहा है लोग।